सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। तो आदरणीय साथियों, ये जो दो चार बात हम आपके सामने कहेंगे, ये बात होगी, किस्सा होगा अमर सिंह राठौर का। और पहली बात उस समय की कि जिस समय आगरे के अंदर शाहजहां राज करता था, तो शाहजहां की फौज में एक सिपहसालार था जिसका नाम था अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर बहुत ही पराक्रमी, साहसी एवं निडर था, विद्या में निपुण, सभी गुणों से योग्य था। अमर सिंह राठौर की शादी गढ़बूंदी से हो जाती है। कुछ दिन के बाद गोने की चिट्ठी आती है तो खुशी में फूला नहीं समाता है। राजा के दरबार में गोने की छुट्टी लेने के लिए दरखास्त लेकर पहुंच जाता है। राजा से क्या कहने लगता है, अरे प्राणों प्यारी हाडी का मन मिलन की आस खास मेवा
मरती होगी दूर करना प्रीत पति से मत पति वरता कबाना से जानो प्यारी आड़ी से मने गोड़ा कर लाना तक कामों बोल्या रहे जब तक गन घोर रहे से जति पति के मिले बिना तने काचत चोर रहे से दोनों का संयोग सही गस ती की डोर रहे से दोनों का सही सही गस तीखी डोर रहे से यथा योग दंड फल प्राणी ने कर्म करा पड़ा से प्राणों प्यारी आड़ी से मन गोणा कर लाना से सिंह राठौर को शर्त को मंजूर कर लेता है लेकिन एक शर्त लगा देता है कि भाई मैं एक हफ्ते की छुट्टी तेरे को दे रहा हूं और जो इससे एक दिन भी तू लेट हो गया तो प्रतिदिन 1,00,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा। कहने लगा ठीक है महाराज, क्या बता दिया भला फिर हफ्ता एक मन दूर करानो लेख्या नाड़े हलाके तने इस तेजो दे दिन लागे दे नाजर माना याके वे छोड़ दिया कर बारी अमर सिंह चल्या था गम खाके दिया दरे बारी अमर सिंह चल्या था गम खाके तेरे धर्म वीर तेरा दाम पावेला लगे खास बाग पसताना से प्राणो प्यारी हाडी से मन गोणा कर लेना से। तो उधर हाडी रानी की सगी सहेलियां हाडी रानी को तैयार करती हैं किस प्रकार से। नुके खुशी मना लो गालो मंगल चार हे छोरी ससू के दास थारा इंतजार हे खुशी मना लो
साजन चले साथ मेरी, तेरे पति प्रेम में डूब चले जब, साजन चले साथ मेरी, जी भर लाड़ लड़ा लो कर लो प्यार है, या जोड़ी जो गम जो योग भर कार है। एक दो घूंटे पिलैयो कर सोला सिंगार सती ने डोले बीच बठैयो, सजपूतों की रस्म में सही मरी यादा ठीक निभैयो, सजपूतों की रस्म में सही मरी यादा ठीक निभैयो, सोले साल रही आज छोड़ चली आप थारा घर बार है। आखिरी कली में की बता दिया भला, अरे यार कौन रखियो लाडो इसे न्यो कह के समझाना, राम बराबर पति समझ के दिल से सेव उठाना, अरे कतल कवि तन्यु धर्म वीर की लहसुर के मगा लगे कुटुंब कहलाना, अच्छी संगत सदा दहे और लगे कुटुंब कहलाना, सुख पाल बावड़ा करे महारा परिचार है, नित पूजा करिए बसी गुरु का द्वार है। तो जिस समय रानी हाटी का डोला जोर से गुजर रहा था तो एक बहुत भयानक तूफान आता है, उस तूफान में वे चारों सिपाही बिछड़ जाते हैं और वो नरसेबाज नाम का पठान वहां पड़ा रह जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल नरसेबाज पठान की नजर जब रानी हाटी के डोले पर पड़ती है तो कहने लगता है कि भाई कोई हो तो मुझे पानी पिला दे। अमर सिंह राठौर की नजर नरसेबाज पठान पर पड़ती है तो कहने लगता है कि भाई नरसेबाज पठान तू यहाँ कैसे, कहने लगा कि महाराज हम तो बेगम मुमताज ने आपको मारने के लिए ऐसे ऐसे सलाह करके भेजे थे लेकिन एक तूफान आने के कारण हम यहाँ बिछड़ गए। कहने लगता है ठीक है, तो अमर सिंह राठौर नरसेबाज पठान को पानी पिला देता है। नरसेबाज पठान अमर सिंह राठौर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है और कहने लगता है कि यार आज से हम पगड़ी बदल यार हो गए हैं, और अमर सिंह राठौर से क्या कहने लगता है, नुकर रहे अमर सिंह अमर जगत में तू रजपूतों की शान दे।
पगड़ी बदले यार हो गे हम Thank you.
तो जिस समय अमर सिंह राठौर शांजा के दरबार में जाने की तैयारी करता है तो रानी हाडी अमर सिंह राठौर की जेब में कटार डाल देती है, कहने लगी कि प्राणनाथ ये तुम्हारे वक्त पर काम आएगी। लेकिन अमर सिंह राठौर उस कटार को नहीं ले जाता है, फिर भी रानी हाडी चुपके से उसकी जेब में उस कटार को डाल देती है। तो जिस समय अमर सिंह राठौर शाहजहां के दरबार में पहुंचता है तो जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था अंदर। तो जिस समय अमर सिंह राठौर उस रास्ते में सर झुकाकर अंदर घुसता है तो पीछे से उसका साला अर्जुन गोर उसकी गर्दन में कटार मार देता है। तो अमर सिंह राठौर जमीन पर गिर पड़ता है और उस पापी की उस कटार से नाक काट देता है। नुकरे समझा अपना यार तू रिश्ते दार में पपी मेरी गर्दन काटी बता तने किस हार में पपी काटी बता तने किस हार में पपी। और मन तो
दुष्ट बनेगा मेरा, तू घातक दुष्ट बनेगा मेरा। ओए होलिया घोरे अंधेरा रे, होलिया घोरे अंधेरा मेरे परिवार में पपी, सुन नैया मेरी डुबो दी बीच मज तार में पपी। मैं अब जिक्र करूंगी भी क्या, क्या कहने लगती भला, भाई ने
ना आई वो समझी यारी आज ना आई तन रजपूतों की पाग तारे के What?
अरे भाई का सर यवन कैद फिर पी तलवार म्यान में तेरा रजपूती गिर भी धरती पिया बट्टा लगा स्यान में भाई का सर यवन कैद फिर पी तलवार म्यान गर्जन से पिया लग जा दौड़े गगन में डूब मरो इस जीने से जो रखो ना जोश बदन में छतरी होके शान छुपी भाई की लाज कफन में तलवार प्यार बिसार दिया तुझ सा चंदार नहीं से तेरे खाक पड़ो तेरे जीवन में तन कसे मलाल नहीं से दिया नाम डूबा रज पुतों का छत रीका लाल नहीं से बारज पूतों का छत निकाला नहीं कर में मतम गूंज गया घर में मतम गूंज गया खुशी को ना कारदान भाई का सरिया तलवार ज्ञान इतिहास बने सच कहरी प्राणनाथ में थारे भाई का सर काट दिया मुगलो ने पता घात में जो कायर था तोड़ गई तो रण में चलूं साथ में तुम रंग महलों में जाओ चूड़ी लो पैर हाथ में रंग महलो में छुप जाओ चूड़ी लो पैर हाथ में मैं मुगलो
लड़का था नवी रसूल, दोनों लड़ने की तैयारी कर देते हैं, घोड़े सजा लेते हैं, उस किस प्रकार से फौज तैयार करते हैं। नुकरे लई जीन खेच घोड़ों पे सुबटियस वार हो गए। अरे अल बेले रजपूत लड़न को तैयार हो गए, लड़न को तैयार हो गए। धार धर्म के कर लिया केसरी बाणा, चलिया नवी रसूल बबकता वे संग चलिया राम सिंह राणा। सबके दिल गावे गणा था हम करके जोर दिखाना, वे बोले तलवार के हिंदुओं की तुलाज बचाना, बोले तलवार खेच के हिंदुओं की तुलाज बचाना। रे मुगलों के बोए सूल जिगर में बार हो गए। शहर में सती कम के गीत गावे थी, मारे लाज का जात डूब गया नो कह के बतलावे थी। हरी जीत अमर हो जग में रज उठा तिलक लावे थी, हथियार बांध शेरों के विजय माला
पहरावे थी हथियार बांध शेरों के विजय माला पहरावे थी रे इज्जत के सिकर सिपाही सभी आ दार हो गए अलबेले रजपूत लड़न को प्यार हो गए लड़न को दिल में भावे जागरे मन चाही आज करेंगे सर काट काट दुश्मन का चाची के चरण धरेंगे सब भेड़ समान अधर्मी इन बन के शेर चरेंगे अरमान झाड़ दुश्मन का सकला भरेंगे अरमान जाड़ दुश्मन का आज खून सकला भरेंगे तेरे छत्री और पठान धर्म के यार हो गए अलबेले रजपूत लड़न को प्यार हो गए दिल घावे घना था दम पीरे सिरों के तन में ओढ़ों की तेज गति से लगी उड़ उड़ धूल गगन में कई जागे क्रोध की अग्नि तपता चला गाच अगन में वे बदला चाचा खा लेंगे लिए लगन घेरण में बदला चाचा खा लेंगे लिए लगन पहुंच घेरण में फिर रे छतरी और कैसो कपाले खोज देख ला चार हो गए अलबेले रजपूत लड़न को चार हो गए लड़न को नबी रसूल और राम सिंह राणा रण में अपनी अपनी फौज लेकर पहुंच जाते हैं और उधर से मुगलों की फौज आ जाती है तो लड़ाई शुरू हो जाती है तो लड़ाई का जिक्र किस प्रकार से किया है कवि ने और डटे रण भूमि में बाके भी सिपाही रे डट रण भूमि में बाके वीर सिपाही अरे बाके वीर सिपाही बाके वीर सिपाही रे डट रण भूमि में बाके वीर सिपाही अपने अपने मौके ऊपर कर दिल को मजबूत खड़े तेग बहादुर बाके रण में
की उड़े उड़े धूड़े गगन में लगी पहुंची जबकि अंधेरे की टूटी लड़ी गाड़ी बड़ी ग्यारे राम सिंह के सेरे की तेरे राम सिंह के सेरे की हाल हुआ बे हाल देख के हाल हुआ बे हाल देख कडरे रोवे लवन लुगाई रे डटे रण भूमि में काके पीर सिपाही दिया बला तेरे कोर लड़ाई देख बाद तेरे कोर लड़ाई देख बादशाह छोड़ किले को भाग गया भगता नजर पड़िया राणा के क्रोध गात में जाग गया दिल्ली बाग छोड़ गोहड़ा कीर सिंह बराबर लाग गया तेरे सिंह बराबर लाग गया देख पाले बाद
का दिया असली खून पूत छतरी ने वार आप तयुका दिया आ फिर तू एक बहादुर है बद लाचा चका चुका दिया बद लाचा चका चुका दिया धर्मवीर वो लिखा दिया श्री धर्मवीर वो लिखा दिया से इतिहास गवाही रे डटे रण भूमि ¡Gracias!
घन घोर रहे से सही ग्रस की डोर रहे से दोनों का संयोग सही ग्रस की डोर रहे से यथा योग संदे फल प्राणी ने कर्म करया पाना से जानो प्यारी हाडी का मन जाने कि भाई अगर 7 दिन के बाद 1 रोज भी तुझे ज्यादा हो गया तो 1,00,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने के रूप में देना होगा। क्यों कुरबला पति